नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों की वजह से आज हमारे चैनल ने 31,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया था तो बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गया था। ही इज़ ओनली पर्सन जिसकी वजह से मैंने दोबारा से YouTube को स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया और उसको मैं सस्टेन करता चला गया। वो मेरे पहले बैच का, मतलब कि जब मैंने YouTube पर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसका पहला स्टूडेंट भी था और साथ में मेरा बहुत ही अच्छा वो दोस्त बन गया है। उसका नाम है ऋषि तिवारी। अभी हाल ही में उसका रेलवे में जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। साथ ही में 2019 में भी उसने SSC स्टेनोग्राफर को क्वालिफाई किया था और 2020 में उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, जहां उसके इंग्लिश में 97 मार्क्स हैं, 100 में से 97 मार्क्स हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, इन्होंने लॉकडाउन को कैसे सर्वाइव किया और बहुत ही अमेजिंग इनकी स्किल्स हैं और इनका जो समझाने का तरीका है, आप लोगों को आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको मोटिवेशन भी इनसे मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड गाय है। ठीक है गाइस, तो अब जो अगला पार्ट होगा वीडियो का वो होगा ऋषि तिवारी का। आप पूरा वीडियो देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी। आ जाते हैं वीडियो के इस पार्ट पे, जहां पर मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरी जर्नी जो है, मैंने शॉर्ट हैंड की जर्नी कैसे की है, स्टेनोग्राफी की जर्नी कैसे हुई है, और बेसिक से लेकर जहां मुझे कुछ भी नहीं आता था वहां से लेकर मैं इस लेवल से कैसे पहुंचा जहां मेरा स्कोर 151 है, जहां ग्रेड डी का और ग्रेड सी दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो गए हैं। ये सभी बातें करेंगे इस पार्ट में। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं ऋषि तिवारी एक स्टेनोग्राफर हूं। दोस्तों, वीडियो में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो एडिट करने के दौरान ही मुझे एक न्यूज मिली है और मेरे चेहरे की खुशी देख के आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। और 28 अप्रैल को रेलवे का रिजल्ट आया है और रेलवे में मेरा सिलेक्शन हो गया है एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर। और अभी इस समय आज 4 मई है और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में देरी हो गई, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। और इस समय मैं वेट कर रहा हूँ अपने मेडिकल के लिए, जो कि इस महीने में हो जाएगा, और मे बी शायद नेक्स्ट महीने तक मुझे रेलवे मुंबई जोन में ज्वाइनिंग मिल जाए, जो कि मेरा होम टाउन है। होम टाउन में पोस्टिंग मिलने का खुशी अलग ही रहता है। अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और मेरा बैकग्राउंड, मैंने बीकॉम की है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से, और एमकॉम भी किया हुआ है मैंने एडवांस अकाउंटिंग से। साथ ही मेरे पास में शॉर्ट हैंड के सर्टिफिकेट्स हैं 80 एंड 100 वर्ड्स पर मिनट के। हालांकि आजकल के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ये सर्टिफिकेट नहीं मांगते, बट अगर आप एक स्टेनोग्राफर हैं और आप हाई कोर्ट एंड बाकी एग्जाम्स में भी ट्राई करेंगे तो कहीं कहीं पे मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपके स्टेट में एग्जाम्स होती हैं तो वहां से एक सर्टिफिकेट लेना अच्छा है। साथ ही मैंने MSCIT का भी कोर्स किया हुआ है, जो कि कंप्यूटर CCC+ वो सब के जैसे होता है। एंड टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट है मेरे पास में 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। अभी मैं हिंदी और मराठी टाइपिंग सीख रहा हूँ। एंड ये था बेसिक मेरे क्वालिफिकेशन जो मैंने किए हुए हैं। बात करते हैं मैंने एग्जाम्स कैसे कैसे क्रैक की, कौन से क्रैक किए, किसमें कितने मार्क्स थे मुझे। सबसे पहले बात करते हैं SSC स्टेनोग्राफर के बारे में, क्योंकि मैंने बेसिक इसी को पकड़ के चला है। क्योंकि SSC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो एग्जाम पूछने का तरीका रहता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड रहता है, और बाकी सभी एग्जाम्स जो इस लेवल के, जैसे स्टेनोग्राफर का आप देखेंगे तो यूजुअली जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो SSC को ही फॉलो करते हैं, उसी पैटर्न से बेस्ड रहते हैं। इसीलिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके बाकी सारे एग्जाम्स क्रैक हो जाएंगे। 2018 के एंड में मैंने शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट किया। ऑफकोर्स मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, फाइनल ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, तो इसलिए साथ में कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह भी थे, तो इतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया। इसीलिए मुझे शॉर्ट हैंड सीखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, एंड थोड़ा बहुत एग्जाम्स एंड देन घर में प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ा बहुत आ गए थे, तो उस वजह से मेरी जो शॉर्ट हैंड सीखने की जर्नी है थोड़ा ज्यादा लेट हो गई। एंड 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम, 2019 में एक्चुअली एग्जाम हुआ था SSC स्टैंडर्ड 2018 का। उस टाइम में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, इंग्लिश में बहुत ही मेरी बेकार थी। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो इसीलिए थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह क्लियर थे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मुझे नहीं पता था। तो बस जनरल इंग्लिश पढ़ के चला गया था।
इस वजह से सबसे पहली बार जब मैंने SSC चरण 2019-2018 दिया था उसमें मेरे इंग्लिश में 56 मार्क्स, GS में कुछ 16 मार्क्स और रीजनिंग में 26 मार्क्स थे। कुल मिला के नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 112 था और कट ऑफ कुछ आई गेस 130 के आसपास गई थी उस टाइम पर। देन उसके बाद में SSC चरण 2019 आया। SSC चरण 2019 में ये चेंज हुआ कि उस टाइम पे बीच में कोरोना वगैरह आ गया था, इस वजह से हम सभी लोग की तैयारी किसी की बहुत खराब होगी किसी की बहुत अच्छी होगी। और भाग्यवश से मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे दिव्यांश बिथरे जैसा यूट्यूब चैनल मिला। बहुत ही लिमिटेड नेट हुआ करता था उस टाइम पे, मैं गांव में फंस गया था अपने और वहां पर नेट वगैरह कुछ नहीं था, वाईफाई तो भूल ही जाओ, नेटवर्क ही बहुत मुश्किल से आता था। और उस थोड़े से नेटवर्क में मैंने अपना डेटा बचा बचा के यूट्यूब के थ्रू मैंने इनसे पढ़ाई की है। कभी मैं आज तक इनसे मिला नहीं हूँ लेकिन यूट्यूब के थ्रू इतना अच्छा कनेक्ट बन गया, ऐसा लगता था कि सामने कोई टीचर बैठ के पढ़ा रहा है मुझे। और इसी तरह से मैंने इंग्लिश का बेसिक क्लियर किया, रीजनिंग पढ़ा और GS भी सबसे पहले मैंने अजय दांगी सर जो यहाँ पे चैनल पे पढ़ाते हैं इनसे मैंने क्लियर किया था। तो काफी अच्छा गाइडेंस मिला 2019 में और इसी गाइडेंस के बेसिस पे मैंने अपने भी मेहनत की। देखिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, एक मेंटर का काम है सिर्फ आपको गाइड करना, वो आपको बैठ के आपके लिए पढ़ नहीं सकता, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। तो वही सबसे मेन है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, मेंटर का काम है सिर्फ गाइड करना। और इसीलिए मैंने अपने तरीके से मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज दी और जितना मुझसे बन पाया लॉकडाउन में मैंने उतने पढ़ाई की। हालांकि एग्जाम बहुत डिले होता गया, बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट के लाइफ में, इस पर भी हम आगे बात करते हैं कि उसे कैसे डील करना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ जैसे भी हुआ 2019 का एग्जाम आ गया और इंग्लिश में मेरे उस टाइम पे 89 स्कोर थे और ओवरऑल स्कोर हालांकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया था, मुझे 140 मार्क्स मिले थे। प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ग्रेड डी भी ना मिले क्योंकि सीट्स बहुत कम थी। और यही एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी तैयारी करें तो प्री या CBT को इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कि मतलब इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। शॉर्ट हैंड तो आपको निकाल लोगे, अगर आप स्टेनोग्राफर हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज एक डिक्टेशन लिख रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंड निकाल लेंगे, लेकिन जो CBT है यही आपका होम टाउन, आपका डिपार्टमेंट, आपकी जॉब, आपकी सैलरी, सब कुछ CBT डिसाइड करेगी। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस पर। जो गलती मैंने की 2019 में वो आप लोग ना करें, इसलिए दिव्यांश सर आप गाइड करेंगे। मैं भी एक यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पर भी अपने तरीके से जो बनता है जैसे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूंगा क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूं, अभी तक मुझे जो जॉब चाहिए मुझे मिली नहीं है। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम अपनी जर्नी पे कि 2019 का एग्जाम हो गया, फिर 2020 का SSC चरण आया। उस टाइम तक मेरे बेसिक काफी क्लियर हो चुके थे, जो मेन चीज होती है वो सब सेल्फ स्टडी एंड जितना आप उसको वापस वापस प्रैक्टिस करेंगे, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, GK हो, रिवीजन प्रैक्टिस, जो गलती है उसको फिर दोबारा प्रैक्टिस, यही एक ही तरीका है। चाहे किसी भी आप टॉपर से बात करो या किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करो, आपको सब लोग सेम चीज बताने वाले हैं। तो यही सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की। 2020 में मैंने अच्छे से पढ़ाई की एंड उसके बाद में मेरे इंग्लिश में स्कोर 97 आ गए थे। पहले नॉर्मलाइज के पहले स्कोर मैंने 95 थे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस गलत थे, रीजनिंग में मुझे थोड़ा पीछे रह गया मैं, मेरी रीजनिंग थोड़ी वीक है। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स एंड रीजनिंग में थोड़ा बहुत हम स्टेनोग्राफर्स लोग सफर करते हैं, तो इस पर मैं काम करने वाला हूँ इस साल। एंड GS में मुझे 21 मार्क्स मिले, रीजनिंग में 31 और इंग्लिश में 97, कुल मिला कि मेरा स्कोर 151 के अप्रोक्सीमेटली होगा नॉर्मलाइज स्कोर, विच इज अ डिसेंट स्कोर कि आप ग्रेड डी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होम टाउन में शायद पोस्टिंग मिल जाए। मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि मैं मुझे मुंबई डिपार्टमेंट मिले, इनकम टैक्स, GST, कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट अगर मिल जाए तो वो ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। अब एक बहुत ही कॉमन सी चीज हम देखते हैं कि बच्चे यहाँ वहां स्ट्रेटेजी बहुत ढूंढते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी बता दो, टॉपर की स्ट्रेटेजी बता दो कि इंग्लिश कैसे किया, रीजनिंग कैसे किया, GS कैसे किया। हमेशा मुझे सवाल आते रहते हैं कहीं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पर। तो देखिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी तो मैंने खुद ने भी एक बना दी है और मेरी स्ट्रेटेजी देखने से पहले मैं तो रिकमेंड करूंगा आप दिव्यांश के चैनल पर देख लो, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज पड़े हैं, सब कुछ बताया हुआ है, का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और GS की और रीजनिंग की बात करें तो मैंने ज्यादा डेडिकेटेड वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है, दिव्यांश के चैनल पे आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन मेरी तो रीजनिंग वीक है तो मैं तो रीजनिंग के मामले में आपको ज्यादा कुछ बता नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत जो है कि आजकल जो देखा जा रहा है कि बैंकिंग की तरफ रीजनिंग बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि TCS एग्जाम ले रहा है तो TCS है ही बैंकिंग एजेंसी, तो उसको थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा दे रहा है, लेंदी क्वेश्चन दे रहा है। मतलब अगर वही रीजनिंग के पेपर को आपको एक घंटा दे दे, डेढ़ घंटा दे दे कि डेढ़ घंटे में सॉल्व करना है तो सब आउट ऑफ मार्क्स ले आएंगे, लेकिन वहां पर इतना लिमिटेड टाइम रहता है, इतना जल्दी करना होता है कि बहुत सारे सवाल बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत बैंकिंग तरफ से आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और GS की बात है तो GS में देखिए इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको बस रट्टा मारना है, पढ़ लो,
क्योंकि कोई समुंदर है यार, पता नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो प्रिडिक्टेबल पार्ट है वो है करंट अफेयर्स, और स्टैटिक पार्ट जो है वो पढ़ लीजिए। बाकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दो, क्योंकि वहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। बाकी अगर जैसे साइंस का थोड़ा बहुत पार्ट है तो बायोलॉजी पढ़ लो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ये सब वीक रहने वाली है, तो ज्यादा कुछ मतलब नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मैंने जो किया, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस किया था, और थोड़ा बहुत स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स देख लिया था। एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो यार कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको स्टेनो, एसएससी स्टेनो के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊं, तो देखिए इस एग्जाम में अगर आपको ग्रेड सी चाहिए तो आज के टाइम पे कुछ भी करके 160-165 अबव आपको मार्क्स रहने ही चाहिए, तभी आपको कंफर्म ग्रेड सी का जॉब मिल जाएगा किसी अच्छे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में। क्योंकि ग्रेड सी में भी 4200 सैलरी वाली पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे वाली भी पोस्ट है, और ग्रेड डी की अगर बात करें तो कंफर्म 150 प्लस मार्क्स चलो, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो है बढ़ जाती है। ये मत देखो कि 130 कट ऑफ लगी है, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस की 85 लग रही है, तो सोच रहे हैं बच्चे जिनको 100 मार्क्स है, 110, 120 मार्क्स है, वो सोच रहे हैं कि हमारा भी ईडब्ल्यूएस में सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में जो फाइनल कट ऑफ जाती है बहुत सारे बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ग्रेड सी चाहिए तो 165 प्लस, और ग्रेड डी चाहिए तो 150 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए सीबीटी में। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दिया कि इंग्लिश रीजनिंग जीके कैसे क्या है, और स्टेनोग्राफर के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत। अब अगर इसकी सैलरी की बात करें, क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफर का जो जॉब पोस्ट है वो काफी अच्छा, काफी मतलब काफी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, आप इसको क्लर्क से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि काफी अच्छी पोस्ट है, पीए के बराबर ये पोस्ट है। हालांकि डिपार्टमेंट में अभी तक स्टेनोग्राफर को पीए की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आपको पोस्ट काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, एक अच्छी आप डिसेंट लाइफ जी सकते हैं इसमें, और एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। और एक मेन बात तो है, गवर्नमेंट जॉब में आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, कि यार जितना काम किया फिर घर आए शांति की जिंदगी जी सकते हैं, सुकून की लाइफ, एक अच्छी लाइफ एक गवर्नमेंट जॉब देती है आपको। इसीलिए आप सभी को गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करनी चाहिए, और खास करके स्टेनोग्राफी फील्ड जो है इसे तो मैं वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इसका जो आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे अगर सीजीएल और सीएचएसएल से कंपेयर करते हैं, तो इसमें सबसे कम एग्जाम के स्टेजेस हैं, सिर्फ यहाँ पे प्री होगा और स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना कम प्रोसेस वाला जॉब, मतलब आपको जॉब बहुत जल्दी मिलती है इसमें, तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, खास करके सीबीटी में। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, हम शॉर्ट हैंड कब करें, सीबीटी में कब फोकस करें, कब कैसे क्या करें, तो इस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड सीख लेनी चाहिए, अगर आप स्टेनोग्राफी फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे पहले देख लो कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, कैसे आप सीख सकते हैं, आपके आसपास इंस्टीट्यूट है या नहीं है, कैसे क्या है, कितना टाइम लगेगा, कैसे सीखना है, तो ये सब पे मैंने बहुत ही एक डिटेल वीडियो बनाई है, कुछ 20-25 मिनट की वीडियो है, कि स्टेनोग्राफी कैसे सीखनी है, कहां से सीखनी है, वो सब मैंने एक बना दी है वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको शॉर्ट हैंड पहले सीख लेनी है, साथ में सीखते सीखते सीबीटी की तैयारी शुरू कर दो। जब सीबीटी की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सीबीटी एग्जाम पास में आ रही है, तो सीबीटी के लिए आप अपना 80% टाइम डेडिकेट करिए। अगर सीबीटी एग्जाम हो गया, आपको लग रहा है कि आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद में आप अपना 100% टाइम शॉर्ट हैंड को डेडिकेट करो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डाउट है कि एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया है, जैसे अभी 2020 वाला एग्जाम, किसी किसी के कट ऑफ के काफी एवरेज में स्कोर है या उसके आसपास है, तो उन लोग को यही रिकमेंडेशन है कि ठीक है शॉर्ट हैंड पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, सीबीटी में ज्यादा ध्यान दीजिए, वो जो बैलेंस है वो आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो जो अभी एग्जाम आ रही है इसको कैसे क्रैक करेंगे। 2021 एग्जाम है, काफी टाइम है आपको, दिसंबर में आएगी इसका नोटिफिकेशन आएगा, और अप्रैल में आपकी एग्जाम होने वाली है, तो आज से लेकर आपके पास में पूरा एक साल का टाइम है, अप्रैल आ चुका है, नेक्स्ट अप्रैल में आपकी एग्जाम होगी, तो काफी ज्यादा टाइम मिला है, अच्छे से आप एक एक सब्जेक्ट को बेसिक से उठा उठा के आराम से प्रैक्टिस करो, एकदम रिलैक्स मन से होके, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। टाइम टू टाइम आपको दिव्यांश के चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी, मेरे चैनल पे भी अगर मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो मैं भी आपको स्टेनो से गाइडेंस दे दूंगा कि स्टेनोग्राफी कैसे करनी, शॉर्ट हैंड कैसे क्या। और देखिए मैं एक पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगा कि बहुत ज्यादा यहाँ वहां भटकिए मत, क्योंकि देखिए यूट्यूब है ना एक समुंदर है, ठीक है, इतना ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि दिव्यांश हमेशा बोलता है कि यार आजकल के बच्चों पोस्टमैन बन चुके हैं, कि बस यहाँ वहां से हर जगह से जानकारी इकट्ठी करनी है, डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिलती है, कितना अलाउंस मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या लाइफ होगी, ये सब में आपको नहीं पढ़ना है। देखिए जो सीरियस एस्पिरेंट जिसने एग्जाम क्रैक किया है, हर उन लोग को ज्यादा पता नहीं रहता है कि डिपार्टमेंट में क्या मिलेगा, क्या लाइफ होगी, क्या क्वार्टर होगा, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ये सब कुछ उन्हें पता नहीं, उन्हें सिर्फ इतना पता है
कि हमें हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, इंग्लिश रीजनिंग जीके दिन रात पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट दो, इम्प्रूव करो, फिर पढ़ो, यही करो। कब एग्जाम की डेट आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो नॉलेज लेने वाले बच्चे रहते हैं, ये लोग यहाँ वहां अभी ये वीडियो देख लेंगे, फिर और चार वीडियो देख लेंगे, फिर और दो वीडियो देख लेंगे, फिर बैठ के कंपेयर करेंगे कि इसने तो ये बोला, उसने वो बोला, फिर उसके बाद बोलेंगे एग्जाम की डेट क्यों नहीं आ रही, कब एग्जाम होगा। अरे जब एग्जाम होना होगा तब हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए। अब देखिए इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं, मैं अपना एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं कि मैं बहुत ज्यादा एग्जाम के पीछे नहीं पढ़ता हूं कि कब कौन सी एग्जाम हो रही है, किसका रिजल्ट आया, क्या आया, सिर्फ चुपचाप पढ़ते रहूं। मैं चुपचाप पढ़ता रहा, बीच में रेलवे का एग्जाम आ गया, रेलवे का भी मैंने फॉर्म भरा, मेरे रेलवे का भी एग्जाम क्रैक हो चुका है, होपफुली स्किल टेस्ट भी क्लियर हो जाए, फाइनल मेरिट लग जाए तो मुझे मुंबई में रेलवे में मिल सकता है, चांसेस ज्यादा है उसके। फिर बीच में हाईकोर्ट का एग्जाम आ गया तो मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एग्जाम दे दिया, उसमें भी डिसेंट स्कोर है। फिर चंडीगढ़ एग्जाम, फिर चंडीगढ़ में हाईकोर्ट का एग्जाम आ गया, चंडीगढ़ का भी मैंने एग्जाम दे दिया। तो ऐसे एग्जाम देते रहिए, फिर ये नहीं होगा कि कब कहां पे पोस्टिंग मिल जाए आपको पता नहीं है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि यहां भी एग्जाम निकल गया, वहां भी एग्जाम निकल गया, हर जगह एग्जाम निकल गया, आपके ऊपर चॉइस है कि आप कहां जाना है आपको। देखिए अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, ये मैंने अपना व्यू पॉइंट बताया कि मुझे एग्जाम देने में क्रैक करने में बहुत मजा आता है, और अभी तक मैं सही बोलूं तो मुझे जो जॉब चाहिए, जो ग्रेड सी एसएससी स्टैंडर्ड मेरा टारगेट है, वो मुझे नहीं मिला है। तो मैं भी अपने आप को एक सक्सेसफुल या फिर एकदम सुलझा हुआ खिलाड़ी नहीं मानता हूं, मैं खुद भी अभी समझ रहा हूं, सीख रहा हूं, एग्जाम्स क्रैक कर रहा हूं, मैं भी एक एक्सपेरेंट ही हूं। इसीलिए आपको भी ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि जब तक जो बेस्ट पोस्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलती, तब तक शांति से नहीं बैठना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। देखो मैं बच्चों के कुछ और क्वेश्चंस अगर लूं तो उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और मैं पर्सनली इन सभी डाउट का एक ही आंसर बोलूंगा, पढ़ो, पढ़ाई करो। अब देखिए कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले बच्चे बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो क्या करें, पढ़ो जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तीन सब्जेक्ट में से कोई तो इंटरेस्टिंग लगता होगा, रीजनिंग जीके इंग्लिश कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो जो इंटरेस्टिंग लगता है अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो उसे पढ़ लो, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए नहीं इंटरेस्टिंग चीज को करने के लिए, तो बस वो हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन रहता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बैठ के या धरना कर लो, जाके दिल्ली में बैठ लो, ये कर सकते हो, या तो बैठ के पढ़ो, तो बस पढ़ना अपने हाथ में। फिर बच्चे बोलते हैं कि स्टेनो का करियर खत्म हो रहा है, स्टेनोग्राफर में सीट्स कम होती जा रही, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में बस पढ़ना है। आज के पहले भी बच्चे पढ़ते थे, जो पढ़ते हैं वो एग्जाम क्रैक करते हैं, और जो यहाँ वहां जानकारी इकट्ठा करते हैं, 20 ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, सब ग्रुप में बातें करते हैं, वो बस यही करते रह जाते हैं, आपका काम है पढ़ना। चौथा क्वेश्चन है कि अगर एज बढ़ती जा रही क्या करें, हम तो ग्रेड सी भी नहीं कर सकते, हमारी एज बढ़ती जा रही है, अभी तो एज है 1 साल है, 2 साल है, 3 साल, 4 साल, जितना टाइम उतना क्या कर सकते हो, पढ़ो यार, पढ़ो, एग्जाम क्रैक करो। अभी स्टेनो का एग्जाम जब तक हो रहा है, 2021 वाला आई गेस आखिरी एग्जाम है, इसके बाद में सीबीटी आ जाएगा, इसके बाद में सीईटी आ जाएगा, सीईटी में मैथ्स है, इंग्लिश है, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता है, एक एग्जाम है, जब जो सामने है उसको लिए पढ़ो, क्रैक करो, बस पढ़ाई करना एक ही सोल्यूशन है, वही हमारे हाथ में, मेहनत पर भरोसा रखो, बाकी हर चीज ऊपर वाले पर छोड़ो। ओके, तो काफी सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ी बात करते हैं रिलेटेबल बातें, जैसे स्टेनोग्राफी फील्ड में या गवर्नमेंट जॉब में मैं क्यों आया, आप लोग भी इस बात से रिलेट करेंगे, अगर आपका भी कोई अपना रीजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देखिए आपके बाकी दोस्त लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कम हो रही है या फिर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उससे आपको पता चलेगा कि अभी भी लोग हैं, अभी भी आपके दोस्त लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी बात बताऊं तो 2018 के पहले ये बहुत ही कम लोग को पता है कि मैं एक यूट्यूबर था, मैं कॉलेज करता था, घर के पास ही मेरा कॉलेज था, और फुल टाइम घर पे आके मैं यूट्यूब करता था, मैं कुछ कार बाइक जैसे की वीडियोस बनाता था, काफी अच्छा चैनल चल रहा था, कुछ अराउंड 80,000 सब्सक्राइबर्स है उस चैनल पे। तो मैं इस फील्ड में इसीलिए आया क्योंकि वहां पर देखिए यूट्यूब का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कुछ फिक्स नहीं है, कभी अर्निंग आ रही है कभी नहीं आ रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ फिक्स नहीं है सोर्स, एकदम बेस्ट सिक्योरिटी वाली जॉब मुझे चाहिए थी, इसीलिए मैं गवर्नमेंट फील्ड में शिफ्ट हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहे, अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जो अभी 12th पास किए हों या ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं और अभी अभी एसएससी फील्ड में आए हैं, तो आप लोग भी ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, और ये वेरी कॉमन बात है, मैं खुद स्टार्टिंग में ऐसे ही था। लेकिन बाद में 2019 के अराउंड या 2020 के अराउंड अगर जिस चीज में कोरोना पीरियड विटनेस किया है तो आप सभी जानते हैं कि सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए हैं। मेरे खुद के लाइफ में मेरे डैड की जॉब चली गई, तो इसके पहले मैं थोड़ा अपना फील्ड की तैयारी कर रहा था, अलग कुछ कर रहा था लाइफ में, लेकिन जब मैंने देखा कि घर में इतनी ज्यादा जरूरत है जॉब की तो मैंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा 100% गवर्नमेंट जॉब में मैंने देने के लिए कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बेसिक क्लियर्स हो गए,
मेरे बेसिक क्लियर हो गए और एसएससी चरणों के एग्जाम भी मैंने क्रैक कर लिया। तो अब सबके अपने अपने रीजन होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना है। मेरा रीजन मैंने बता दिया। एंड घर में यार देखियो, आज के टाइम में ऐसा हो गया कि कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही ऐसे थे जिनकी लाइफ अच्छे से कट रही थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी सभी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं। ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आएंगी लाइफ में जब आपको लगेगा कि ये आपका डिसीजन, अगर ये वीडियो देख के आपने डिसीजन लिया या कोई और वीडियो देख के डिसीजन लिया, तो वो जो आपका डिसीजन है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो आप अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा तारीफ करें कि चलो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा दिमाग आया, थोड़ा सा अकल लगा कि मैंने एग्जाम में घुस गया, मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी सी जॉब ले, एक रिस्पेक्टेबल जॉब ले, माँ बाप का नाम रोशन करें, सोसाइटी में एक अपना रिस्पेक्ट कमाए, एक नाम कमाए। और बस इसी बात के साथ में मैं अपनी पर्सनल जर्नी को यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। हालांकि ये एक एंड नहीं है, मेरे अंदर वो नेवर स्टॉप वाला एटीट्यूड है जो एक हर एक एस्पिरेंट में होना चाहिए। जब तक बेस्ट जॉब ना मिले सेटल क्यों होना यार। गवर्नमेंट अगर आपको बोल रही है कि आप और एग्जाम दे सकते हैं, जब तक आपकी एज है आप फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं, तो क्यों ना दें। जो बेस्ट पोस्ट है, ग्रेड सी की पोस्ट है, जो 70-75,000 मंथली सैलरी वाली जॉब है, वो लेना हम सभी का हक है। अच्छे से जो मेहनत करेगा उसके लिए जॉब रखी है, आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। तो अपनी मेहनत पे भरोसा करो। और अगर लास्ट एडवाइस आप बोलो कि एक एस्पिरेंट को क्या एडवाइस देगा, हालांकि मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूं लाइफ में अपने कि मैं आपको बहुत ज्यादा एडवाइस दे सकूं, लेकिन फिर भी एक मेंटर की तरह मैं नहीं बता सकता, दिव्यांश भाई या अभिषेक बिरथरे भाई जो इनके हैं, जिन्होंने रैंक होल्ड की है, वो बहुत ज्यादा गाइड अच्छा कर सकते हैं, आप उनसे बिल्कुल जुड़े रहिए। मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं तो यूट्यूब के जो समुंदर में है ना, ज्यादा खो मत जाना, काम की चीज लेना, बकवास चीजों को निकाल दो लाइफ से, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेके करोगे क्या, पोस्टमैन नहीं बनना है हमें, बस रेलेवेंट चीजें रखनी अपने लाइफ में। एग्जाम में जितना आता है उतना पढ़ो, एग्जाम क्रैक करो, जॉब लो, बाहर निकलो, ये सब झंझट में मत पढ़ो कि किसका किस यूट्यूबर ने क्या बोल दिया, किसने कहाँ झगड़ा लगा दिया या कौन क्या बोल रहा है, बैठ के ये सब मत करो, सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। और अगर आपको और थोड़ा बहुत गाइड चाहिए तो दिव्यांश के यूट्यूब से आप जुड़ जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल से आप थोड़ा बहुत जुड़ जाइए, हालांकि मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ वहाँ पे, बट स्टिल आप यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत चेकआउट कर लीजिए, आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहां पर। इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, चैनल को ग्रो करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए अगर हम स्टनों वाले एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, सीजीएल में आप देख रहे इतना तगड़ा सपोर्ट है, सीएचएसएल में इतना अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि उनके नंबर बहुत ज्यादा है, हमारे नंबर इतने कम है, उसमें से भी हम अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कम्युनिटी फॉर्म करिए, एक दूसरे एकदम भाईचारे से अच्छे से सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। इसी के साथ में मैं अलविदा कहना चाहूंगा आप लोगों को, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। आई होप गाइस वीडियो देखकर, इंटरव्यू देखकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।